हेलो एवरीवन, मैं सद्दाम हुसैन, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियोज़ में मैं आप सबको उर्दू के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और इन उर्दू के क्वेश्चंस को मुकम्मल कीजिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी ये वीडियो है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। मस्त क्लासेस आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आइए हम आपको एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चंस है 119 नंबर के, संघ के मानी है, संघ का मतलब बताना है। पहला है रोशनी, बी है शीशा, सी है पत्थर और डी है पानी। आप लोग भी कमेंट में इसके जवाब बताएंगे। तो संघ के मानी होता है पत्थर, 119 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा और जिनका भी सी है सही है। 120 क्वेश्चन है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए, दिल्ली, पटना, कलकत्ता और डी है अलीगढ़। तो देखिए मेरे प्यारे, इसका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना, हसन नईम कहाँ पैदा हुए, बी सही है, पटना। बिल्कुल राइट आंसर पटना एकदम सही है। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्ब व जाम में हसन की रह जाएगी, मिश्रा मुकम्मल के, यहाँ पे खाली है ना, कल्ब व जाम में हुस्न की रह जाएगी, मिश्रा मुकम्मल। पहला है पुरवाइयाँ, परछाइयाँ और गहराइयाँ और रिसवाइयाँ। तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए बिल्कुल राइट आंसर जो होगा परछाइयाँ हो जाएगा। और जो लोग भी 121 का बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए 122 क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। जिनका कमेंट है मैं सी था, बी था पिछले क्वेश्चन का सही था। परवीन साकिर कहाँ पैदा हुए थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आगे है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, बी वाले एकदम सही है। आगे देखते हैं 123 है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है, परवीन साकिर, इरफान सिद्दीकी, निदा फाजली और है जफ़र गोरखपुरी। तो 123 नंबर क्वेश्चंस का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, परवीन साकिर। जिनका भी कमेंट में है ना एकदम सही है। आगे देखिए 124 यानी 124 नंबर क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी है ना बुनियादी तौर पर किस सनफ के शायर हैं, पहला है नज़म, गज़ल, मसनवी और आगे है जरीफाना शायरी। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा बी होगा, गज़ल। जिनका भी बी है गज़ल है एकदम सही है। 125 क्वेश्चन है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, 1 2 3 4। ये बिल्कुल क्वेश्चन सीजी है, इसके नाम में ही आंसर है दो यानी दोहा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, और जो लोग भी बी बता रहे हैं एकदम सही है। 126 यानी 126 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल किस मुगल बादशाह तामीर करवाई थी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा ताजमहल। तो आप लोग फेमस जानते हैं शाहजहां है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगे बढ़ते हैं 127 क्वेश्चन, रुबाई की जमा क्या होगी, मरबा, रवायात, अरवा, रवायों। तो बहुत ईजी है, इस 127 का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल बी सही होगा, रवायात है ना, रवाई की जमा रवायात है। 128 क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। देखिए 128 क्वेश्चंस कहता है 9 2 11 होना का मतलब होता है, इसमें ना मुहावरे है, इसका मतलब बताएं। यानी पहला ऑप्शन है मतलब निकालना, बी है फायदा पहुंचाना, सी है भाग जाना और डी है वापस आना। तो देखिए इसका 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, जैसे रहीम 9 2 11 हो गया, यानी इसका मतलब कि रहीम जो है भाग गया। तो जिन भी स्टूडेंट का 128 का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, 20 टॉप क्वेश्चंस लाए हैं। आगे देखिए 129 क्वेश्चन, 129 ठीक है, कहता है कि शहर है ना शब्बीर हसन खां जोश में, जोश क्या है, ये जो जोश शब्द लगा है वो क्या है, लकब है, खिताब है, तखल्लुस है, कनीत है। आइए हम इसके राइट आंसर आपको बताते हैं। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ना जोश, तो ये इसको तखल्लुस कहते हैं, इस राइट आंसर सी तखल्लुस हो जाएगा जिनका भी क्वेश्चन ऑप्शंस में। ठीक है, 130 क्वेश्चन देखिए, हमीदा, फिर है फहमीदा, कौन थी, बेटी थी, बहन थी, खाला थी, दोस्त थी। तो इसका देखिए आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर जो है ए होगा, बेटी। जिनका भी कमेंट में 130 का ए है ना बेटी एकदम सही है। आगे देखिए 131 यानी 131
मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? आगरा, फिर ऑप्शन है दिल्ली, फिर ऑप्शन है अलीगढ़ और सी है पानीपत। तो देखिए 131 का आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर। हम बताते हैं, आप लोग अपना कमेंट में आंसर मिलाइएगा। मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए, एकदम 131 का राइट आंसर ए होगा। 132 क्वेश्चन देखिए आपका कहता है 132, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? शायर थे, नकाद थे, अफसाना निगार थे या सहाफ़ी थे? तो 132 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका ना मेरे प्यारे स्टूडेंट सी हो जाएगा, अफसाना निगार, जिनका भी है ना कमेंट में सही है। 133 क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। लिखा हुआ है 133 की मुनाजिर कुदरत किसकी नज़म है? चकबिस्त की, जगन्नाथ आज़ाद की, निदा फाजली की और डी में है वजीर आगा की। अब आप इसका आंसर बता सकते हैं, चलिए बता रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर मिलाएंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होगा, चकबिस्त की। ठीक है, तो 133 का ए हो गया ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए 134 क्वेश्चन आपका कहता है चकबस्त का पूरा नाम क्या था? बहुत मस्त क्वेश्चन है। पंडित दया शंकर, पंडित ब्रज नारायण, आगे है नंद किशोर, ठीक है रुकरम और डी है जगन्नाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हम बताते हैं, इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा चकबिस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण, बी एकदम राइट आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 135 पे क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली, पटना, कलकत्ता, लखनऊ। इजी क्वेश्चन है ये, तो सारे स्टूडेंट बता सकते हैं। इंडिया गेट जो है ना दिल्ली में है, बिल्कुल राइट आंसर, इंडिया गेट दिल्ली। और एक और होता है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया पूछता ना तो मुंबई हो जाता। ठीक है, 136 देखिए, 136 में है तसल्लुस हयात किसका शायरी मजमुआ है? अख्तरुल ईमान, परवेज साहिदी, निदा फाजली और डी है मोहम्मद जाफरी। तो 136 का राइट आंसर आपका जो होगा एकदम बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, परवेज साहिदी, बिल्कुल राइट आंसर, जिनका भी कमेंट में है ना वो सही है। अब आगे देखिए 137, खाड़ा डिनर जो है ना डिनर क्या है? मुजाहिया नज़म है, मसनवी है, गज़ल है और डी है रवाई है, बताइए क्या है? चलिए आइए हम बताते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है ना, 138 नंबर क्वेश्चन भी है, तो इसका देखिए एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होगा, मुजाहिया नज़म। और जो भी मेरे स्टूडेंट 137 का ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर। आइए इस वीडियो के हम लास्ट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं 138 के रूप में जो कि क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जज़र किस सन्निफ शायरी का हिस्सा है? मसनवी, कसीदा, मुरशाइयाँ और कत्आ। तो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, मुरशाइयाँ। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट 138 का सी बता रहे हैं ना एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में मैंने 20 टॉप क्लासेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उर्दू के इस वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर किया। इसमें आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये जो वीडियो मैंने शेयर किया ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी हौसला को बढ़ाती है। और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आपने कदम रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।